राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली, इस बात की जानकारी सुप्रिया सुले ने दी। शरद पवार को धमकी मिलने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले इसकी शिकायत लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने उनके दफ्तर पहुंची। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को धमकी मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि एक वेबसाइट के जरिए धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से न्याय मांगने आई हूं। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के गृहमंत्री अमित शाह से भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के एक्शन ठीक नहीं है, ये बंद होने चाहिए। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट है इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। कौन है जो ये थ्रेट दे रहा है, कुछ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ न्याय मांगने आई। आपने सिक्योरिटी की मांग की है पवार साहब के लिए? वो पवार साहब की जो सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, वो देश के नेता है, तो होम मिनिस्ट्री हैज टू इंटरवेक्ट। मैं कैसे कह सकती हूँ? क्या आपने सिक्योरिटी मिली है उनमें इजाफा करने की मांग की है? मैंने सिर्फ कहा है कि ये धमकी आई है, इसका उन्होंने मुझे वायदा किया है कि वो इमीडिएट एक्शन लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।